ये राष्ट्रपति पद के लिए दो उम्मीदवार, लेकिन चुनना है विधायकों को, सांसदों को। तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। वोटिंग शुरू हो चुकी है संसद भवन में भी और अलग अलग राज्यों के विधानसभाओं में भी। संसद भवन में पीएम मोदी और अमित शाह की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, जिन्होंने वोट डाला है। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने भी वोट डाला है, उसकी तस्वीरें भी आई हैं। और देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरीके से वोटिंग चल रही है। शाम 5 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। अमित शाह को आप देख रहे हैं, उन्होंने बैलेट पेपर पर अपने उम्मीदवार को टिक लगाकर और उसके बाद फिर उन्होंने वोट डाला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आप देख रहे हैं और योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ मीरा कुमार और रामनाथ कोविंद के चुनाव तक सीमित नहीं है। बिहार की बात कीजिएगा तो लोगों को चुनना है कि नीतीश कुमार के लिए वो वोट दे रहे हैं या लालू यादव के लिए, क्योंकि अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो इसका मतलब आप लालू के साथ नहीं खड़े हैं, नीतीश के साथ खड़े हैं, अगर आरजेडी के विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं। और ऐसा ही जेडीयू के लिए हो सकता है। उधर उत्तर प्रदेश की बात कीजिएगा तो वहां पर मुलायम सिंह यादव के समर्थन में जो विधायक हैं वो रामनाथ कोविंद के लिए वोट डाल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक। और जो अखिलेश हैं वो रामनाथ कोविंद के लिए वोट डाल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक। और जो अखिलेश यादव के समर्थक हैं वो मीरा कुमार के लिए वोट डाल रहे हैं। तो वहां भी अपना अपना नेता चुनना जो है वो तय हो जाएगा इस वोटिंग के साथ। तो बहुत कुछ राष्ट्रीय स्तर पर भी होगा, सिर्फ रामनाथ कोविंद के लिए वोट पड़ रहे हैं ऐसा कहना गलत होगा या सीधे तौर पर सही नहीं होगा, क्योंकि 2019 के चुनाव में विपक्ष के जो दल हैं वो पीएम मोदी के साथ या बीजेपी के साथ जा रहे हैं या नहीं, ये भी तय होगा इस चुनाव के बाद। करेक्ट। और इंडिया न्यूज पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ गए हैं, सुदेश वर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए थे, हमारे साथ रोहन गुप्ता कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। रोहन जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अंबिकानंद सहाय और जयशंकर गुप्ता सीनियर जर्नलिस्ट दोनों स्टूडियो में बने हुए हैं। रोहन जी आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि जैसा हम यहां डिस्कस कर रहे थे और हमारे साथ जो पैनल है उसमें कई लोगों का ये मानना है कि ये सिर्फ राष्ट्रपति का चुनाव नहीं रह गया है, बिहार में आप किसके साथ खड़े हैं वो चुनना है, यूपी में समाजवादी पार्टी के विधायक किसके साथ खड़े हैं ये चुनना है, और राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा दल मोदी के साथ या बीजेपी के साथ जा रहा है वो भी चुनने की प्रक्रिया पूरी हो रही है आज। देखिए, मैं मानता हूं कि राष्ट्रपति के चुनाव की जब तक बात है, राष्ट्रपति का चुनाव धर्म जाति पार्टी से ऊपर है। हम दोनों व्यक्तियों को, कोविंद जी को देखें या मीरा कुमार जी को देखें, देश को यह देखना है कि कौन सा व्यक्ति है जो देश के संविधान की, देश की लोकशाही। सर आप लोगों ने मीरा कुमार को जैसे ही उनका नाम रखा आप बार बार बोलते रहे कि वो दलित हैं, हमने दलित चेहरा सामने रखा है, उनको देखकर आप वोट दीजिए, तो फिर कैसे जाति और ये सारी चीजें तो फिर सामने आ गई ना सर। नहीं नहीं नहीं, हमने 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 देखिए, जब चेहरे की बात है, दलित चेहरे की बात भाजपा ने की है, कांग्रेस ने नहीं की है। जब कोविंद जी का नाम रखा गया तब भाजपा की एक ही चीज थी कि जिस प्रकार से दलित पे अत्याचार पूरे भारत में हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी छवि सुधारने का प्रयत्न है। कांग्रेस पार्टी ने जो उम्मीदवार रखा है उसकी अपनी क्रेडेंशियल्स हैं, उनकी अपना राजनीतिक अनुभव है, उनकी खुद की एक लॉयर है, वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका अनुभव रहा है, तो कहीं पे भी आप ये नहीं बोल सकते कि हमने इस प्रकार की राजनीति के लिए उम्मीदवार को चुना है। मीरा कुमार जी अपने आप में एक सक्षम उम्मीदवार है। सर सक्षम उम्मीदवार है इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपने मीरा कुमार ही चुना। कांग्रेस पार्टी में न तो लॉयर्स की कमी है ना अनुभव वाले नेताओं की कमी है, ये सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं है कि मीरा कुमार दलित हैं और आपने दलित के सामने दलित को उतारा है। मान लीजिए इस बात को मानने में क्या बुराई है? नहीं नहीं नहीं, ये सवाल आपको भाजपा को, मेरा मानना है ये सवाल आपको भाजपा को पूछना चाहिए कि जब उन्होंने कैंडिडेट सिलेक्ट किया तब उनके दिमाग में क्या था। सर आपके आने के पहले हम ये पूछ चुके हैं, उनके उम्मीदवार का नाम नहीं था तभी मीरा कुमार जी का नाम चल रहा था, उनका पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस जो है उसको मद्देनजर रखते हुए मीरा कुमार जी को चुना गया है, नहीं कि राजनीति करने के लिए। ठीक है, मुझे एक चीज ये बताइए सुदेश जी, आप जो बात कह रहे थे और जो रोहन जी कह रहे हैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा, लेकिन क्या आज के चुनाव में लोग ये भी चुन रहे हैं कि वो रामनाथ कोविंद को चुनने जा रहे हैं या वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी को चुनने जा रहे हैं, क्योंकि क्रॉस वोटिंग की बात हो रही है? देखिए क्रॉस वोटिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में तो चूंकि व्हिप होता नहीं है तो सब लोग आजाद हैं, लेकिन जब वोटिंग पड़ेगा तो आप देखेंगे बाय एंड लार्ज लोग अपने अलायंस के पैटर्न पर ही वोट देंगे, और हमें कोई संदेह है ही नहीं कि भारी बहुमत से कोविंद जी जीतेंगे। क्योंकि देखिए आप सोचिए कि इतने भारी मेजोरिटी से 30 साल के बाद
किसी पार्टी को जनता ने सत्ता में भेजा है 30 साल के बाद और उस पार्टी की पूरी मेजोरिटी है, तो ये सोचना कि वो पार्टी दूसरे को प्रेसिडेंट बना देगा, अपना नॉमिनेशन नहीं रखेगा, ये तो मतलब राजनीतिक सूझबूझ से अलग की बात है। जहां तक दलित की बात है तो बीजेपी को बताने की जरूरत नहीं है, बीजेपी बहुत सोची समझे रणनीति के तहत सोशल इंपावरमेंट के जरिए सबसे ज्यादा दलित रिप्रेजेंटेशन बीजेपी में है, चाहे वो लेजिस्लेटर पार्टी में हो, स्टेट लेवल में, चाहे वो पार्लियामेंट के लेवल में हो। हमें लिप सर्विस करने की जरूरत नहीं है, और कहां पर तो इंपावरमेंट ही एक वर्ड है जो आप बताइए कांग्रेस से प्रश्न आप पूछ सकते हैं कि जब आपने एक ओबीसी चाय वाला को प्रधानमंत्री नॉमिनेट किया था तो आपने क्यों नहीं नॉमिनेट किया, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते थे, आप डायनेस्टी से बाहर सोच ही नहीं सकते थे। तो जो सर मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं आपको, दलित रजत राकेश टंडन हमारे सहयोगी ने आरजेडी के नेता से बात की है, जयप्रकाश नारायण से, वो सुनवा देते हैं एक बार दर्शकों को। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज संसद भवन में वोटिंग होगी, बातचीत करने के लिए आरजेडी नेता जयप्रकाश यादव जी हमारे साथ हैं। जयप्रकाश जी, मीरा कुमार को लेकर ऑपोजिशन कितना संयुक्त है कि उनकी जीत कितनी सुनिश्चित होगी, अंतरात्मा की आवाज कही गई है लेकिन आंकड़े ऑपोजिशन के पक्ष में नहीं है। यहाँ आंकड़ा का सवाल नहीं है, यहाँ विचार और सिद्धांत का सवाल है, और 17 देश की विपक्षी पार्टियां जो प्रोग्रेसिव है, जो सेकुलर है, जो सोशल जस्टिस में 100% विश्वास रखती है, उन सारी पार्टियां एक होकर के सुश्री मीरा कुमार जी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है, और अभी हम लोग मतदान में लगातार हिस्सा लेंगे और वोट करने का काम करेंगे। प्रकाश जी, बिहार में नीतीश कुमार आपके साथ हैं लेकिन आज जो वोटिंग होगी उसमें राष्ट्रपति चुनाव का मतदान प्रारंभ हो चुका है और एनडीए के प्रत्याशी श्री रामनाथ कोविंद जी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। उत्तर प्रदेश का ये सौभाग्य है कि पहली बार उत्तर प्रदेश को राष्ट्रपति देने का अवसर प्राप्त हो रहा है, यह हम सब के लिए गौरव की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को एक गौरव प्रदान किया है। मुख्यमंत्री जी, इस बार लगता है कि वोट का आंकड़ा बढ़ा होगा, वोट का आंकड़ा बढ़ा होगा, आंकड़ा बढ़ेगा, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के समर्थक प्रत्याशी श्री रामनाथ कोविंद जी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। रामनाथ कोविंद भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे, ये दावा योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, और इस दावे के लिए उनके पास वजह भी हैं क्योंकि नंबर उनके पास दिखता है। लेकिन अंबिका जी, हम जो बात कर रहे थे कि क्या ये राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ कौन खड़ा है उसका भी चुनाव है, ये बिल्कुल सही सवाल है। देखिये, इस बात को तो सब मान के चल रहे हैं कि कोविंद जी जीतेंगे, इसका राज क्या है ये खोल के बताने की जरूरत है। देखिये, जब कोविंद जी के नाम का चयन हुआ तो मैं समझता हूं कि इस देश की 80% जनता ये नाम पहली बार शायद सुन रही थी, वो कभी एक्टिवली इस तरह लाइमलाइट में नहीं रहे पॉलिटिक्स में, लेकिन इतनी भारी जीत होने की उम्मीद है और ये जीत भी जाएंगे। ये क्यों है? ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि आज जो भी उनको वोट दे रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है। कमोबेश ये हालत हम इंदिरा जी के जमाने में देखा करते थे कि चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव हो या संसद का चुनाव हो, नाम उन्हीं के वोट, उन्हीं के नाम पे वोट पड़ता था। आज ये स्थिति नरेंद्र मोदी जी के साथ हो गई है। आज एआईडीएम के साथ दे रहा है क्योंकि वो ये मानते हैं और जानते हैं कि भलाई इसी में है कि मोदी जी के साथ रहो। बिहार में आप देख रहे हैं, बहुत से एनालिस्ट ने बहुत सी बातें कही लेकिन वो भी स्पष्ट है, केसीआर तेलंगाना में कमोबेश यही स्थिति है। तो ये लड़ाई 2019 की बैटल लाइन से एकदम क्लियर है। स्थिति ये नहीं है कि लोगों को ये लग रहा था कि एनडीए के पास कमोबेश इतने वोट हैं कि थोड़ा सा और समर्थन मिल जाए तो वो अपना राष्ट्रपति चुन सकते हैं, ऐसे में अपना वोट क्यों बर्बाद करना विपक्ष के साथ जाकर। नहीं नहीं, ये बात हो सकती है लेकिन मैं दूसरी चीज कह रहा हूं कि आज इस देश की राजनीतिक सच्चाई क्या है। आइदर यू आर विद मोदी और अगेंस्ट हिम।
ये इत्तेफाक है कि बैंड बाजा बारात सब मोदी जी के साथ आ जाए। अच्छा ठीक है, मैं आपके पास भी आऊंगा जयशंकर जी, एक सवाल आपसे भी है, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन ने जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी, उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी से बात की है, वो दिखा देते हैं दर्शकों को। करने के लिए सबसे मैं कह सकता हूं स्पेशल सांसद जो वोट डालेंगे वो है अभिजीत मुखर्जी। दादा इस बार जब आप वोट डालेंगे तो प्रणव दा उस वोट से जीत नहीं सकते हैं, अब तक राष्ट्रपति हैं अभी भी हैं, लेकिन इस बार जो आपका वोट होगा वो उनको जिता नहीं पाएगा। प्रणब मुखर्जी इज नॉट अ कैंडिडेट एट ऑल, तो उनको तो वोट देने का सवाल ही नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, मैं उन्हीं से ही सुना था, एक कमेंट समबडी आस्क द सेम क्वेश्चन अबाउट ए ईयर बैक, ये वुड यू लाइक टू कॉन्टेस्ट सेकंड टाइम, बोलते नो क्वेश्चन बिकॉज लेट देयर बी ओनली वन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हु रिपीटेड वन मोर टाइम, दैट वॉज हिज सेंटिमेंट, दैट इज हिज कमिटमेंट। और इस बार वो कॉन्टेस्ट कर ही नहीं रहे, कॉन्टेस्ट करने का सवाल भी नहीं है, तो वोट डालने का, उनको वोट डालने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। अभी वो अपने नेटिव प्लेस एक विजिट करने गए थे, बड़ा इमोशनल था, हम लोगों ने भी जो तस्वीर, हाँ दैट इज नॉट द एग्जैक्टली नेटिव प्लेस, दैट वॉज हिज कंस्टिट्यूंसी विच इज इन अदर डिस्ट्रिक्ट, लेकिन वो एज गुड एज ए नेटिव प्लेस यू कैन से बिकॉज दैट हैज गिवन हिम ए रूप। फर्स्ट इलेक्शन उन्होंने लोकसभा का जीता था वहीं से 2004 में। अब आपको लगता है ज्यादा टाइम मिलेगा फैमिली के लिए, पब्लिक के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा टाइम मिलेगा, ज्यादा वो मिलेगा, इसलिए हम लोग सब खुश है। चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन पुष्पेंद्र के साथ रत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज दिल्ली। बातचीत करने के लिए एनसीपी सांसद प्रफुल पटेल जी हमारे पास हैं। सर वोटिंग स्टार्ट हो गई है, आपने वोट डाला? हाँ जी वोट डाला, और ये तो हमारा दायित्व है, देश के सर्वोच्च पद के लिए हमने हमारा जो वोट है वो डालना, ये एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक हमारी जिम्मेदारी है, और इससे देश के सर्वोच्च नागरिक, सर्वोच्च व्यक्ति, देश के संविधान के रक्षक, उनका चयन किया जाएगा। आपको लगता है कि अंतरात्मा की आवाज की बात मीरा कुमार ने कही है वो नीतीश कुमार के ऊपर भी लागू होती है, आप भी अपील करना चाहेंगे कि हाँ जो उनके सांसद हैं, विधायक हैं, वो अभी भी मन बदले अपनी अंतरात्मा की आवाज? देखिए ये सब बातें, अंतरात्मा की बातें तो जरूर होती ही है, लेकिन साथ साथ में राजनीतिक दल अपने अपने एक सोच और विचारधारा के आधार पर भी वोट करते हैं, हालांकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई व्हिप नहीं होता है। अन्य जो चुनाव में जैसे हर पार्टी अपने सांसदों को, विधायकों को व्हिप देती है, वैसी ये पद के लिए व्हिप की मतलब मनाही होती है, मगर फिर भी आमतौर पर हर व्यक्ति पार्टियों से जुड़े हुए होते हैं, जो निष्पक्ष होते हैं और पक्ष होते हैं उनके लिए तो बात अलग है, लेकिन बाकी हर व्यक्ति अपने पार्टी के लाइन से जुड़ा हुआ रहता है। हमसे बातचीत करने के लिए प्रफुल पटेल एनसीपी के नेता हैं, वोट डालकर बाहर आ चुके हैं। कैमरामैन पुष्पेंद्र के साथ रत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज दिल्ली। देखिए इसको आप विडंबना ही कहिएगा कि जिस चुनाव में पार्टी व्हिप जारी नहीं होता, यानी आपको स्वतंत्रता है कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन हो, या आप अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, उसमें भी एक पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा संख्या बल के साथ चुने गए हैं, इसलिए हम अपने तरफ से राष्ट्रपति चुनेंगे, यानी एक एक सांसद एक एक विधायक को आजादी नहीं है, वो पार्टी के साथ ही जाने को मजबूर है, और दूसरी तरफ विपक्ष जो है उसको यह साबित करना है कि हम मोदी के खिलाफ एकजुट हैं। कैंडिडेट क्या है उससे मतलब नहीं है, वो कितना काबिल नाकाबिल है उससे मतलब नहीं है, एकजुटता दिखाने के लिए वोटिंग हो रही है, ये इस देश में राष्ट्रपति चुनाव का चेहरा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। तो बड़ी कवरेज हमारी जारी है, वोटिंग शुरू हो चुकी है, वोटिंग भी जारी है राष्ट्रपति चुनाव के लिए, और उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने वोट डाला है, अमित शाह ने वोट डाला है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी ने लखनऊ में वोट डाला है, उसकी तीन तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। यहां पर जो संसद भवन है उसमें कमरा नंबर 62 में वोटिंग चल रही है, अमित शाह जो है उन्होंने बतौर विधायक वोट डाला है, लेकिन जो विधायक देश के दूसरे हिस्सों से हैं लेकिन दिल्ली में हैं, अपने अपने राज्य नहीं जा पाए, उनके लिए भी वोटिंग की व्यवस्था यहां पर की गई है, और लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने वोट डाला है। एक छोटे से